हम कहते हैं कि लोग कुरान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यार लोगों से क्या शिकवा, किसी की ताकत है कोई कुरान को बदल दे? खाली की बेवकूफ़ी कर रहे हैं, खाली की हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वो यार कोई ये कहे कि मैं समंदर का सब पानी पी जाऊंगा तो डरने की जरूरत है हमें? एक आदमी कह रहा है हाँ है, पी लेगा कोई समंदर का पानी? यार कह रहा है तो कह रहे ना, बकवास कर रहा है, समंदर का पानी पी लेगा पेट फट जाएगा। बात है कि नहीं है? पेट फट जाएगा, पी लेगा पानी? कोई ये कहे मैं समंदर का पानी पी जाऊंगा, तुम करो चलो एहतजाज करो कहीं पी ना जाए, कहीं पी ना जाए। अरे बेवकूफ, ये एहतजाज करने की बात है? अरे ये तो अकल में आ रही है, नहीं पी सकता, इसकी औकात नहीं है समंदर को पी जाए। गुलफाम का जुमला नोट कर लो, समंदर का पानी पीना नामुमकिन है, लेकिन एक वक्त फर्ज कर लो ऐसा हो सकता है कोई समंदर को पी जाए, मगर कोई कहे मैं कुरान को बदल दूंगा ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। बन के फानूस, जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा के पीछे जिसे रोशन खुदा करे, कोई नहीं बदल सकता कुरान को। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह जिसकी हिफाजत करे क्या उसको कोई मिटा सकता है? बोलिए। एक चला था कुरान को बदलने के लिए वसीम रज़वी, अल्लाह ने उसे ही बदल दिया है? वसीम रज़वी से तयागी कर दिया, बोलो बदल गया? कौन बदलेगा कुरान को? कुरान को कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें इसे रोकने की जरूरत नहीं है कि नहीं बदलने देंगे, ना अमल करने की जरूरत है। ये तुम्हें एहतजाज करने की जरूरत नहीं है कि नहीं बदलने देंगे, ना इसकी हिफाजत तो अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली है, ये तेरा काम ही नहीं है। तुम्हें ये चीखने की जरूरत नहीं है कि कुरान नहीं बदलने देंगे, ना बड़े आए बदलने वाले, कोई आज नया थोड़ी है, ये पहले भी तो आए थे, उनकी हड्डियां तक गल गई। तुझे कुरान पर अमल करने की जरूरत है। तुम्हारी बेटियां आज बाजारों में बेपर्दा नजर आती है, ये कुरान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है तो क्या हो रहा है? तो सिर्फ कहता हम कुरान बदलेंगे और हमने कुरान के अहकाम को अपने घरों में बदल दिया है। वो तो कह रहे हम बदलेंगे, मगर हमने जो कुरान पे अमल करने के जो अहकाम थे, कुरान ने कहा था पर्दा करो, हमारी बच्चियां बेपर्दा घूम रही हैं। कुरान ने कहा था शराब हराम है, हमने शराब को अपने लिए हलाल कर लिया। कुरान ने कहा था सूद हराम है, हम खूब सूद खा रहे हैं। मुझे बताएं, ये चीज कुरान को हम कहते हैं कि नहीं बदलने देंगे, यार इस चीज पे ना जा, कुरान पे अमल कर ले, कुरान को तो कोई बदल ही नहीं सकता, तू अपने आप को बदल ले। ए बच्चों बेटा खामोश रहो, बच्चों सारे लोग बोले जरा सुभान अल्लाह, तुम अपने आप को बदल लो वरना कान खोल के सुनो। अल्लाह ने फरमाया था हजरत मूसा अलैहि सलाम से, ए मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मेरी कुछ निशानियां हैं। क्या हैं? कुछ क्या निशानियां? सुनो। अर्ज की मौला तेरी नाराज होने की निशानी क्या है? तो हजरत मूसा से मेरा रब फरमा रहा, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो बेमौसम के बारिशें करता हूं। जिस करबला के हुसैन का आप नारा लगाते हो, आपने कभी उसकी जिंदगी को पढ़ा है? नहीं पढ़ा। जब मदीना के लोग सो जाते थे तो मेरा हुसैन रो रो के अपने रब को याद करता था। बहुत रोया मेरा हुसैन, खाली करबला जाके नहीं रोया मेरा हुसैन, करबला से पहले भी बहुत रोया। और हुसैन के एक बेटे जैनुल आबिदीन है, वो तो इतना रोए कि करबला के बाद लोगों ने में से किसी ने भी उन्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा, कभी नहीं मुस्कुराते देखा।
जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में पानी पेश किया जाता तो आपकी आंख में आंसू आ जाते, कहते इस पानी के लिए अली असगर तड़पा था, यही पानी था जो सकीना पे बंद किया गया था, यही पानी था कि इससे दूर रख के मेरे पापा के गले पे खंजर चलाया गया था। हम तो कॉमेडियां तलाश करते हैं कि टाइम कट जाए, यार हंस के टाइम ना काट। ईमान वाले वो हैं जो रो रो के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। रोना दुनिया के माल की वजह से नहीं हो, रोना अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में हो। बस मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, बड़ी काम की बातें मैंने आपको बताई, एक आदमी भी ना उठे, बड़ी काम की बातें सुन लें, बस थोड़ी सी काम की बात। 80 मिनट मैंने तकरीर कर ली, बहुत लंबी तकरीर हो गई, मगर थोड़ा सा सुन ले, जरूरत नहीं होगी बारिश होगी, जरूरत होगी तो नहीं होगी,